ने चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की है। तो हरियाणा के विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ के प्रशासक से मुलाकात की। चंडीगढ़ प्रशासक बनवारी लाल से औपचारिक मुलाकात थी। गुप्ता ने खुद इस बात की जानकारी दी है। विधानसभा भवन के लिए जमीन को लेकर बातचीत हुई है। हरियाणा को विधानसभा के लिए जमीन जल्द देने का निवेदन किया गया है। पंजाब भी अगर जमीन मांगता है तो हमें इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। तो अलग से विधानसभा के मुद्दे को लेकर ज्ञानचंद गुप्ता ने चंडीगढ़ प्रशासक से बात की। चूंकि देखिए ये तो साफ हो चुका है कि अलग जमीन पर हरियाणा की नई विधानसभा चंडीगढ़ में ही बनेगी और चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से चूंकि ये जमीन दी जा रही है जो कि देखी भी जा चुकी है विधानसभा स्पीकर और सीएम की ओर से, उसे जल्द दिया जाए इस बात का निवेदन किया गया। देखिए आज आदरणीय राज्यपाल पंजाब से वैसे तो एक कर्सी कॉल थी, कई बार मिलना होता रहता है और जो एक विषय काफ़ी दिन से हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर के चल रहा है उसमें जो पत्र हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन को लिखा है, उस पत्र के बारे में भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको जल्दी से जल्दी सिरे चढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी हमें ज़मीन का जो आदान प्रदान है वो हो, ये मैंने रिक्वेस्ट आदरणीय गोना साहब से क्या आश्वासन दिया? कहा है कि जल्दी कोई अगले हफ्ते मीटिंग जो चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी हैं उससे करेंगे और उसके बाद निर्णय। तो आपने रिकमेंडेशन दी होगी कौन सी जगह हमारे लिए उपयोगी है? हाँ वो हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो रेलवे स्टेशन का जो चौक है उसके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ऑलरेडी हमने विजिट किया था और उसमें हमारे अधिकारी भी थे और जो चंडीगढ़ प्रशासन है उनके भी अधिकारी। पंजाब के कई पॉलिटिकल पार्टी इसका विरोध कर रही है, कह रही हैं कि हरियाणा की विधानसभा चंडीगढ़ में नहीं होनी चाहिए, हरियाणा में नहीं बनेगी। क्यों बने तो कारण? नहीं नहीं कारण तो बताएं। कारण तो यही बोला जा रहा है कि चंडीगढ़ पंजाब का है। तो किसने कहा चंडीगढ़ पंजाब का? तो उनके कहने से थोड़ा ही हो जाएगा, जब तक हरियाणा मौजूद है हरियाणा का पूरा हक है। हरियाणा ने कभी ये नहीं कहा कि चंडीगढ़ पंजाब का है, चंडीगढ़ दोनों सूबों की राजधानी है और इसके ऊपर दोनों का बराबर हक है। ज्ञान जी जो जो हरियाणा विधानसभा है वहाँ जो पंजाब ने कब्जा कर रखा है जिस हिस्से के ऊपर वो उसके बारे में तो कोई बात नहीं? नहीं वो हमने ऑलरेडी भेजा हुआ है और मैंने उसके लिए पीछे जो वहाँ के स्पीकर हैं क्योंकि स्पीकर चेंज हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि हमें वो जो हमारा 20 कमरे हैं वो वापस दिए जाएं, उसके बारे में भी चर्चा चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जल्दी ही अगर ये नया स्थान मिल जाएगा तो फिर वो समस्या कब तक उम्मीद है कि हस्तांतरण हो जाएगा जमीन का? जल्दी हो जाएगा, मुझे उम्मीद है जल्दी हो जाएगा। अगर नया विधानसभा भवन बनता है जनजन जी तो जो वहाँ जो हरियाणा का स्टेक है उसको छोड़ देंगे या वो? नहीं 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 वो तो हमारा है, उसको छोड़ देंगे कैसे? सर हरियाणा में जो गुजरात में इलेक्शन आने वाली है कैसा लग रहा है, कैसी क्या हो रहा है? देखिए मैं क्योंकि किसी भी इलेक्शन में जाने के योग्य नहीं हूँ स्पीकर होने की वजह से, इसलिए वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति क्या है क्या रहेगी इसके बारे में कोई भी कमेंट कर